तो आप कह रहे कि मतलब क्रैश हुआ ही उधर, क्रैश हुआ ही नहीं। ये हमारा तो कहना है हम पहले से कहते आ रहे हैं क्योंकि क्रैश ही नहीं था। देखिए पहले नेहरू जी ने शाहनवाज कमीशन को बिठाया कि पता करो सुभाष बोस को क्या हुआ। शाहनवाज खान ताइवान गया ही नहीं, जहां पे क्रैश हुआ था लोकेशन में गए नहीं। उसके बाद जस्टिस खोसला कमीशन था, उनको वो भी नहीं गए ताइवान में पता करने। अरे यार तुम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, स्पॉट पे तो जाओ ना, जहां पे क्राइम हो गया हुआ है वहां पे तो जाओ ना, गो दे, वहां भी नहीं गए। इवेंचुअली वो थर्ड कमीशन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंस्टॉल किया था, वो मुखर्जी कमीशन, जस्टिस मुखर्जी गए वहां पे पता किया, वहां पे तो ताइवान गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया कि यहां पे कोई एयरक्रैश हुआ नहीं 18 अगस्त 1945 में। वो जो रिपोर्ट मुखर्जी कमीशन ने बनाया, अनफॉर्चुनेटली यूपीए गवर्नमेंट के, इट वाज द कमीशन को बिठाया एनडीए गवर्नमेंट ने, वाजपेयी जी ने बिठाया, मगर कमीशन का रिपोर्ट कंप्लीट होते होते यूपीए गवर्नमेंट वॉज इन पावर, यूपीए गवर्नमेंट रिपोर्ट को टेबल नहीं किया पार्लियामेंट में। बोलिए सर, नेहरू जी कांग्रेस क्यों नहीं चाहते थे कि नेताजी के बारे में? देखिए नेहरू जी का उनके पॉलिटिकल लाइफ में थ्रेट एक ही था, सुभाष बोस, और कुछ नहीं। सुभाष बोस दो मरतबा 1938 में सुभाष बोस स्टूड फॉर इलेक्शंस फॉर कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप, ही वन हैंड्स डाउन। 1939 में गांधी जी ने कहा, उनको कहा कि तुम मत खड़े हो, हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, तो सुभाष बोस ने उनको बताया कि ठीक है आपका कैंडिडेट खड़ा रहे, मैं आई एम गोइंग टू स्टैंड, मैं तो खड़ा होगा, लेट द बेस्ट मैन विन। बोस वन ओवरवेलमिंग विक्ट्री 1939 ऑल्सो। तो उसके बाद क्या हुआ कि वर्किंग कमिटी वॉज वेंट अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज अ प्रेसिडेंट विदाउट अ वर्किंग कमिटी, यू कांट फंक्शन, तो इवेंचुअली ही रिजाइन, फिर अपना खुद का फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी स्टार्ट किया। उनके ऊपर बहुत ये क्या बोलते हैं बंगाली में बोलते हैं अत्याचार किया, बगैर यू नो लॉट ऑफ थिंग्स पीपल वर वर्किंग अगेंस्ट हिम राइट थ्रू आउट दिस करियर, डोंट नो व्हाई। नेहरू जी डरता कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली ये नेहरू जी के लिए इट वॉज गॉड सेंट कि आईएनए लॉस्ट द वॉर, सुभाष चंद्र बोस कहीं गायब हो गया, अब देखो वो इंडिया में ना वापस आए, अगर इंडिया में आ गया तो मेरे ख्याल से नेहरू का कोई चांस नहीं था टू रिमेन और बी प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज द पब्लिक वुड हैव वांटेड बोस।